तो क्या आप लोगों ने फेमस आर्टिस्ट इपिक डिप कैलियो के बारे में सुना है? नहीं सुना होगा, आज ही पैदा हुआ है। यप, मैं ही हूँ। तो यस गाइज, आज हम लोग माइनक्राफ्ट में जो भी चीजें पेंट करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगी रियल चीजों में, जैसे कि गन, स्वॉर्ड और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक मार देना। यार तुम लोग जल्दी वीडियो पे लाइक नहीं मारते, इसीलिए ये लो, मैं यहाँ से कूद के आत्महत्या कर रहा हूँ। ओके, तो अब बकवास बंद, अब चलो, अब तुम लोग को मैं अपना आर्टिस्ट वाला टैलेंट दिखाता हूँ। अरे यार, मैंने विलेज ढूंढ के रखा था, मैंने बेकार का ही आम हत्या कर लिया। यार मैं भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता रहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे इन सभी को टपकाना पड़ेगा। पहले मुझे इनका वूल चाहिए। यप, इन सभी वूल से हम लोग क्राफ्ट कर पाएंगे पेंट ब्रश। तो चलो। ओ बोरा विलेज, थैंक गॉड मैं ज्यादा दूर नहीं गया। वैसे सच्ची बताओ तो आज तो विलेज का काम नहीं है, क्योंकि आज तो हम लोग सारी चीजें पेंट कर करके लेंगे। तो बाकी का सिप कहाँ गया? मुझे कम से कम 3 वूल चाहिए होगा अभी। हेलो सिप ब्रो, चलो अपने मौत के पास आ जाओ। वो चलो चलो बेटे, तुम लोग का टाइम पूरा हो गया, अभी मुझे अपनी आर्ट गिरी दिखानी है। इपिक डीकैप, पता नहीं जो भी नाम बोला था मैंने, उसे वर्ल्ड फेमस करना है। तो अब बस मुझे एक और वूल चाहिए होगा। चलो ये तो मिल गया, अब बस क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और ये भी बन गया। तो फाइनली अपना आर्टिस्ट वाला टैलेंट दिखाने के लिए मैं रेडी हूँ, लेट्स गो। एंड गाइस, ये बन गया हम लोग का पेंट ब्रश। ओके, ये पेंट ब्रश है, ये तो किसी तरह का कचरा उठाने वाला लग रहा है। गाइस अगर किसी के घर में कचरा उठाना हो तो नहीं, मुझे मत बुलाओ ना, मैं कचरा उठाने वाला थोड़ी हूँ। अपना कचरा तुम लोग खुद से उठाओ, भागो यहाँ से। मैं तो यहाँ पे आर्टिस्ट बनने आया हूँ, अपना नाम वर्ल्ड फेमस करने आया हूँ। तो रुक जाओ, इसका यूज कैसे करना है मुझे, कैसे करूँ इसका यूज? राइट क्लिक, ओके, शायद ये करना था मुझे। चलो डन करता हूँ। वो फाइनली ये देखो, मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। व्हाट द हेल, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? रुक जाओ, इन सभी को इरेज करने दो पहले। तो बताओ सबसे पहले क्या ड्रॉ किया जाए? रुक जाओ, स्वॉर्ड ड्रॉ करूंगा। पता है सभी लोग चाह रहे होंगे कि पहले मैं डायमंड ड्रॉ करूं, लेकिन नहीं, मैं डायरेक्टली डायमंड स्वॉर्ड ही ड्रॉ करूंगा। ये देखो क्या मस्त बनाया, इतना अच्छा ड्रॉइंग तो सौरभ जोशी भी नहीं करता होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो गाइज, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। कभी कभी इपिक डिपिक के घटिया जोक्स मारना पड़ता है, तभी ना तुम लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये देखो, ये काफी अच्छा बना दिया मैंने। चलो तो डन किया जाए। और वेट से, ये क्या बन गया? मैंने तो डायमंड स्वॉर्ड बनाया था, पता नहीं ये क्या ही बन गया, लेकिन देखने में थोड़ा बहुत खतरनाक लग रहा है। ओ माई गॉड, ये तो लगता है मेरे से भी ज्यादा लंबा है। भाई ये कुछ ओपी चीज शायद मुझे मिल गया। तो ओ, इसके पास खतरनाक पावर्स है। गाइज ये मुझे कुछ यूनिक चीज मिल गया, सब मेरे ड्राइंग का कमाल है। तो देखने दो, अब पहले मुझे इसका पावर ट्राई करने दो। ये देखो, ये सिप है, तो देखने दो इस पे। ओ ओ ओ, ओ ये तो हवा में उड़ने लगा। ओके, ये अच्छा है। ओ यहीं से तो मैंने आम हत्या किया था। देखो लाइक मार देना, नहीं तो मुझे फिर से आम हत्या करना पड़ेगा। तो रुक जाओ, इस बार इस चिकन पे ट्राई करता हूँ। ओ भाई साहब, अच्छा मैं समझ गया, ये मॉब्स को हवे में उड़ा देता है। ये देखो, ये भी हवे में उड़ गया। एंड शायद मुझे स्लो फॉलिंग फोर मिल गया है। ओके, तो आई थिंक सो इस बार मैं आम हत्या करके नहीं मर सकता, लेट मी ट्राई। एंड गाइज ये देखो, मैं तो ऑलमोस्ट हवे में फ्लोट कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ओके गाइज, ये खतरनाक मिला मुझे कुछ। चलो इस खतरनाक स्वॉर्ड का इस विलेज में यूज किया जाए। मैंने पहले ही कर रखा है, हर एक यूट्यूबर का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो जाके किसी भी विलेज को तबाह कर दे। मैं बस अपना जन्मसिद्ध अधिकार फॉलो कर रहा हूँ, तो इस पे ट्राई करता हूँ। वो वन शॉट किल है। तो गाइज आयरन का भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं थी, मैं ड्रॉ करके भी ले सकता था। व्हाट द हेल स्टूपिड। तो चलो अब कौन सा अगला चीज ड्रॉ किया जाए, लेट मी थिंक। तो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, यप देख रहे हो अभी मुझे खाने की भारी कमी हो रही है। तो लेट मी थिंक, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल कुछ, ये क्या बना दिया मैंने? ओके गाइस, तो आई थिंक सो इस बार मैं थोड़ा सा ढंग से बना रहा हूँ। तो यप, ये अब कुछ एप्पल जैसा देखने में लग रहा है। अब बस मुझे अंदर पीला पीला कलर भरना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, यहाँ पे ये फिल कमांड है। यप ये देखो, वैसे करके मैं डायरेक्टली भर सकता हूँ। ओके आई थिंक सो आई डिड ए गुड जॉब, डन किया जाए। तो ये देखो फाइनली गोल्डन एप्पल भी मिल गया। गाइस ये तो बड़ा खतरनाक है। ओ What the hell, ये मेरे सामने कैसे पैदा हो गया? Guys, आज मैंने तुम लोग को आयरन गोलम को भी पैदा होते हुए दिखा दिया, तो इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये होगा। चलो तो थैंक गॉड गेम को मेरा एप्पल का डिजाइन समझ में आ गया और मेरा पोपट नहीं हुआ। तो लेट्स गो, अब और क्या ड्रॉ किया जाए? ओ यस, डायमंड। इजी चीजों को पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ये देखो गाइज, बन गया डायमंड।
तो ये देखो, ये थोड़ा बहुत डायमंड जैसा देखने में लग रहा है। एंड मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना मैं इसे 64 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखने दो क्या ये गेम समझ पाएगा इनटू 64। या फाइनली सब कुछ हो गया तो डन किया जाए। एंड ये देखो 64 डायमंड भी मिल गया। अब मिल गया तो चलो फुल्ली डायमंड आर्मर सेट भी बना लेते हैं। आज मैं सोच रहा हूं क्यों ना उस एंडर ड्रैगन को भी टपका ही डालूं। यप मस्त, मैं 64 एन्चेंटेड एप्पल लेके जाऊंगा उसको टपकाने। ऊपर से ये ओपी स्वॉर्ड भी तो है, पता नहीं ये कितना डैमेज देगा। तो चलो अब कुछ यूनिक चीज बनाया जाए, क्यों ना मैं गन बनाने का ट्राई करूं। यस गाइस, देखा जाए क्या हम लोग गन भी क्राफ्ट कर पाएंगे। तो लेट्स गो, गन कैसे बनाऊं मैं? एक मिनट रुकना, मैं अभी 2 मिनट में गन का फोटो देख के आता हूं। चलो इसे बनाना चालू किया जाए। और मैं कोई ऐसा वैसा गन नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा AK-47। अब भाई थोड़ा सा तबाही मचना चाहिए ना। तो चलो आउटलाइन तो बन गया, अब बस मुझे इसे फिल करना है किसी भी कलर से। कौन सा कलर अच्छा लगेगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90-100। ओके चलो इसी का यूज कर लिया जाए। चलो गाइस तो फाइनली इसे टर्न किया जाए। और ओ ये क्या अजीब मिल गया मुझे, हैकर गन। अरे ब्रो मुझे AK-47 बनाना था, ये हैकर गन नहीं। ओ, ओ, ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो मेरे ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो चलो एक बार फिर से ट्राई किया जाए। ओ इस बार ब्लास्ट हुआ, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो इस बार ओके 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 गाइज आई थिंक सो, तो हर बार इसका पावर चेंज हो रहा है। ये देखो इस बार कुछ, इस बार फिर से ये हुआ। एक बार फिर से ट्राई करो। ओ भाई इस बार तो लाइटनिंग होने लगा। भाई मैं इसे बेकार फालतू बोल रहा था, ये तो ओपी निकला, बेचारे के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ये लो ब्रो, मैं आंधी तूफान ला के यहाँ पे तुम्हें हवा में उड़ा देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके तो चलो अब कुछ और ड्रॉ किया जाए। तो देखने दो इस बार मैं क्यों ना नेदर पोर्टल ड्रॉ करूं, ये काम करेगा भी। चलो 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 ट्राई करने में क्या जाता है। तो लेट्स गो यहाँ पे ड्राइंग चालू किया जाए। तो इसे बनाना तो काफी ज्यादा इजी होगा। ओके ये देखो मैंने एकदम परफेक्ट ऑब्सीडियन का फ्रेम बना दिया। तो अब बस मुझे इसे फिल करना है बीच में इस कलर से। चलो ये बन गया, तो अब डन किया जाए। और ये क्या छुटंकू बन गया, क्या बन गया, इसका मैं यूज कैसे करूंगा? इसका यूज करने के लिए तो मुझे बोना डिपिक बनना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं डायरेक्टली आई ऑफ एंडर भी तो बना सकता हूँ। यस अब भाई बना के डायरेक्टली चला जाए एंड में। वाव क्या सर्कल बनाया मैंने। देखो मैंने अभी गूगल करके बगल में फोटो खोल रखा है और ये देखने में मुझे थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है, इसलिए मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सही बना रहा हूँ मैं, बस अब मुझे थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का करके शेड मारना पड़ेगा। तो परफेक्ट लग रहा है, एकदम सही है। और मैं यहाँ पे 64 भी लिख देता हूँ ताकि मुझे ये एक बार में ढेर सारा मिल जाए। चलो डन किया जाए। और ये देखो ये भी 64 मिल गया। भाई आज का काम तो बड़ा इजी हो गया, मैं चाहूँ तो इसे जितना चाहूँ उतना बेस्ट कर सकता हूँ। और ऊपर से मेरे पास ये सारे ओपी टूल्स भी तो हैं, इनकी मदद से मैं उस एंडर ड्रैगन की तो चटनी बना दूंगा। चलो गाइस तो एंडर ड्रैगन की वट लगाई जाए। तो देखने दो सब कुछ तो है। अरे पिकैक्स ही नहीं है, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं इसे क्राफ्टिंग कर लेता हूँ। भाई कौन उतना ड्रॉ करने जाएगा, हालत ही खराब हो जाएगा उतना ड्रॉ करने में। तो और तो मेरे पास सब कुछ है, रुक जाओ क्यों ना मैं इलाइट्रा भी बना लूं। ओ यस अब कौन उतना पैदल चल के जाएगा उतना दूर। ये बन गया हमारा इलाइट्रा, बस थोड़ा सा थिक बन गया है। और ये बन गया हमारा फायरबर्ग। ओके तो फाइनली अब सब कुछ मेरे पास हो गया है। तो चलो अब चला जाए उस एंडर ड्रैगन की वट लगाने। भाई आज तो उसे मारना कुछ ज्यादा ही इजी होने वाला है। तो ओके चलो इस डायरेक्शन में जाना है मुझे। A few minutes later. और ये देखो मैं आ भी गया। तो चलो भाई अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट उसका टकला फोड़ना है मुझे। लेट्स गो अब आएगा मजा। अरे भाई जल्दी लोड होना थोड़ा सा। अरे यार यहाँ कहाँ, ओके चलो चलो यहाँ पे गैप है। अब यहाँ से मैं फटाक सा उड़ते हुए जाऊंगा और यहां लैंड करके फोड़ूंगा एंडर ड्रैगन का टकला। अरे भैया इपिक लैंड कर जाओ ब्रो, व्हाट द हेल, इलाइट्रा के साथ मेरा परफॉर्मेंस हमेशा ही फालतू रहा। चलो फाइनली लैंड किया। तो अब क्या, अब तो मुझे ऐसे ही बस इन सभी को इजीली तोड़ना है। अरे भाई वो लाइटनिंग वाला पावर दो ना, कम ऑन ब्रो, ये मकड़ी का जाला नहीं, यस ये चाहिए मुझे। ओके बहुत सारा टावर तोड़ दिया, बस 3-4 टावर। ओ भाई भाई पक्का मैं ऐसे करते करते ही टपक जाऊंगा। रुक जाओ गोल्डन एप्पल खाने दो पहले। तो अब बस ये टावर को उड़ाना है। चलो ये तो उड़ गया, अब इसे क्या ऐसे ही डायरेक्टली फोड़ दूं? ओ भाई
चलो ये आइडिया काम कर गया। तो गाइज अब तो बस मैंने डायरेक्टली जंप क्यों कर दिया, व्हाट द हेल, रुक जा, मेरे पास ये स्वॉर्ड है, इससे मुझे फेदर फॉलिंग मिल जाता है। लो भाई अब उड़ाना है, और उड़ाओ, मार ही नहीं पाओगे मुझे। चलो बेटे तो अब फटाफट नीचे आ जाओ। ओ नीचे आ रहा, ये देखो, ओ माय गॉड कितना ज्यादा डैमेज हो गया। ओ भाई, अरे लाइटनिंग का कुछ फायदा नहीं हुआ, रुक जा अब स्वॉर्ड से मारूंगा इसे। ये लो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मर जाओ। ये देखो भाई क्या खतरनाक इसे डैमेज हो रहा है, भाई ये तो तुरंत मर जाएगा। अरे नहीं, रुक जा, मैं खुद ही मर जाऊंगा, ओ माय गॉड। बट वो छोड़ो, ये देखो एक अटैक में मैंने इसका हेल्थ आधा से भी ज्यादा कम कर दिया। तो गाइस ये एक बार फिर से नीचे आ गया, रुक जा एक बार फिर से इसकी ऐसी की तैसी करने दो। ब्रो पोर्टल गन, थोड़ा सा इस पे लाइटनिंग, तो TNT अटैक कर दो, ऐसे करके मेरा पोपट मत करवाओ प्लीज। एक बार मैं आखिरी बार इस पोर्टल गन का ट्राई करूंगा। अरे यार ये सब कौन परेशान कर रहे हैं, ये लो तुम सब की ऐसी की तैसी हवा में ही उड़ा डालूंगा। चालो पंगा भी मत लेना मेरे से, मर जाओगे। ओ रुक जा, ये एक बार फिर से नीचे आ गया, प्लीज ब्लास्ट कर जा। नहीं, ब्लास्ट नहीं करेगा, रुक जा मैं इसे ऐसे ही ऐसे कर करके मार देता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके, बाय।